ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وغادينا ومرشدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن عادا دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے میرے اور جناب دے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے 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 دوستو بزرگو بھائیو معززین کرام اور میری قابل صد احترام ماؤ معززات بہنوں عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال میری تواڈی اس حاضری نو اپنی بارگاہ اندر قبول و منصور فرمائے پیارے بھائیو قرآن و سنت دیاں پیاریاں پیاریاں باتاں اور آئے دن ہر خطبہ جمعہ المبارک اندر تسا لوگ اپنے سبق نو یاد کرن واسطے سنن واسطے اور اے دے بعد انو
अपने ज़हना और दिमागा दे अंदर महफूज करने वास्ते अपने इलम दी प्यास बुझाने वास्ते तशरीफ ले आंदे हो, अल्लाह तबारक व तआला तुहाड़े तशरीफ ले आने नूं कबूल और मंजूर फरमाए। बड़े खुशकिस्मत लोग ने कि जड़े बहुत बड़े अजर दे हामिल हो जाते ने जुमे वाले दिन, उन्होंने सवाए जुमे तो कोई फिक्र नहीं होंदा, कोई दुनिया का काम नहीं करते, कहते ने जी असी वक्त नाल अल्लाह के घर च पहुंचिए और अल्लाह को बड़े बड़े अजर ते बड़े सवाब ते बड़िया रहमतां लुट लईए। प्यारे भाइयों तवज्जो फरमाना जरा, जिस तरह के मैं गुज़श्ता जुमे ऐलान कर चुकिया कि अज मैं तौहीद दे उनवान नाल सूरह इखलास बयान करनी, ठीक है भाई। सूरह इखलास एदे अंदर ऐसी केड़ी तौहीद है कि जिन्हों जानना कुल उम्मत सारी उम्मत मुहम्मदिया वास्ते इंतहाई जरूरी है। मैं दसिया ना पिछले जुमे अंदर कि साड़ी यह कमजोरी है, अकायद और ईमानियात इंतहाई अहमियत दे हामिल ए दो टॉपिक ने और इना दे अंदर हर मुसलमान बड़े छोटे औरत मर्द बच्चे नूं मुकम्मल होना चाहिए, सारे याद हिफज होने चाहिए ने अकायद, ते फिर बंदा वड़ियां वड़ियां गलतियां शिरक जैसे अमल नहीं करता और कुफर जैसे अमल सावका साढ़े कलमा गो लोग कर जाते हैं, कुफर तक कर जाते हैं, उन्होंने पता ही नहीं होता कि जो इलम नहीं होता कलमे की हद तक मुसलमान। जी जी मेरे प्यारे भाई, इस वास्ते देखो मुशरिकी ने मक्का कलमा ना पढ़कर और इसी तरीके से खालिक को रब को खालिक मालिक खालिक मान कर भी वो मुशरिक रहे, मुवाहिद ना बन सके। क्यों जी तवज्जो फरमाओ, इहदे च की वजह की सी कि उन्होंने रब न खालिक मानते सन, ए जमीना आसमाना का खालक ए हर चीज का पैदा करने वाला सिर्फ अल्लाह है जनाब, और अल्लाह ताला ने भी प्यारे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद माशाल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सोनिया सवाल करो इन्हां मुशरिकीन मक्का कोलो, केड़े सवाल? अल्लाह ने फरमाया सूरह मोमिनून आयत नंबर 84 नोट फरमाना, फरमाया जी कुल लिमन अल अर्द व मन फीहा इन कुंतुम तअलमून। फरमाया मेरे प्यारे महबूब पैगंबर नबिया दे सरदार पैगंबर मेरे लाट और चहेते पैगंबर, अल्लाह फरमादे ने कह दीजिए मेरे महबूब मेरे सेरा ताज पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोनिया फरमा दीजिए लिमन अल अर्द व मन फीहा, ए जो कुछ सारी दी सारी जमीन और जमीन दे अंदर जितने खजाने ने जितनिया मादिया मादनियात ने जो कुछ जमीन अंदर है, फरमाया इन्हां नूं पुछो जो कुछ दे अंदर है ये जनाब ए केदा है, पुछो इन्हां मुशरका कोलों पुछो ये केदा है जमीन और जमीन दे अंदर जो कुछ अल्लाह ने पैदा फरमाया है, इन कुंतुम तअलमून अगर तुसी लोग जानते हो ते दसो। और जनाबे सारे दे सारे मुशरिकीन मुशरिकीन मक्का यक जुबान हो करके कहंदे ने, अल्लाह ने फरमाया सोनिया तुसी पुछोगे ते सयकुलूना लिल्ला पुछोगे ते जरूर कहेंगे हां जी हां पुछन तो बाद अन करीब साया कुलूना वो कहेंगे लिल्ला, ये सब कुछ अल्लाह के लिए अल्लाह दा ये सारा कुछ अल्लाह ही इन्हां दा खालिक है,
कुल कह दीजिए मेरे पाक पैगंबर अफला तज़क्करून। फिर क्यों नहीं जे सबक हासिल कर दे, नसीहत क्यों नहीं जे पकड़ दे। जी 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 ये आखन गे ना जी, सारी जमीन ते जमीन अंदर जो कुछ है सारे दा खालिक ते मालिक अल्लाह अल्लाह ही है ना। फिर इन्हां नूं आखो नसीहत क्यों नहीं सीख दे, नसीहत क्यों नहीं हासिल कर दे। जनाब क्यों नहीं जे तुहानूं समझ आंदी। हाजी अगे फरमाया इस तो अगली आयत अंदर यानी अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया यानी जनाब 85 और 84 दो आयता हो गई। अल्लाह ने फरमाया अगली आयत अंदर 86 नंबर आयत फरमाया अल्लाह करीम ने कुल मर रब्बुस समावाति सबरी व रब्बुल अर्शिल अज़ीम। कुरान है ना कुरान। अल्लाह करीम फरमा रहे ने सोनिया इन्हां नूं पुछो सत्ता आसमान दा और रब्बुल अर्शिल अज़ीम और अर्शे अज़ीम दा रब कौन है। यानी तौहीद दे रबूबियत नूं मनदे सन काफिर लोग मुशरिकीन मक्का, तौहीद रबूबियत नूं मनदे सन। ये जमीन ते जमीन अंदर जो कुछ है ये भी ते अल्लाह वास्ते अल्लाह दा है। और अल्लाह ने फरमाया सुनिया अगली बात पूछो फरमाया वा मर कुल कुल मर रब्बुस समावाति सबरी इस सत्ता आसमान दा है जी रब कौन है वा रब्बुल अर्शिल रब्बे अर्शे अजीम दा मालिक। हां जी यानी कौन है जेड़ा अर्शे अजीम दा मालिक है, कौन है जेड़ा सत्ता आसमान दा मालिक है। ते फिर कहन गी अगली आयत आ गई साया कुलूना लिल्ला कहणगे अल्लाह है सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह है। फरमाया कुल कह दीजिए अफला तत्तकून। फिर क्यों जे अल्लाह को डर दे। और जनाब अगले अगे जाके अल्लाह ने 88 नंबर आयत अंदर कमाल कर दी सूरह मोमिनून दी। ये आयतां जाके खुद भी पढ़ना है, ये तफसीरां भी पढ़ना, इंशाअल्लाह इलम बहुत इलम मिलेगा। मैं ते खुलासा तन बयान करना। अल्लाह करीम ने फरमाया कुल कह दीजिए मन बियदिहि मलकूत कुल्ली शय। जी जी कह दीजिए मेरे प्यारे पैगंबर मन बियदिहि मन बियदिहि। फरमाया मलकूत कुल्ली शय फरमाया इन्हां नूं पुछो के दे हाथ अंदर सारी दी सारी हर चीज दी बादशाहत, हर चीज दा बादशाह कौन है, के दे हाथ अंदर है बादशाह। तां वा युजीरु वला युजारु अलैहि इन कुंतुम तअलमून। फरमाया जेड़ा कोई भी जनाब हां जी उज सारे दे सारे ओदी पना लेंदे ने, ओ किसे दी भी पना नहीं लेंदा। कौन है कौन कौन दसो अगर तुसी जानदे हो। साया कुलूना लिल्ला कहणगे यक जुबान होके आखणगे अल्लाह ही है ना। फरमाया कुल फअन्ना तुसहरून। फरमाया कह दीजिए मेरे प्यारे पैगंबर इन्हां नूं आखो कि
किधर जादू किते गए हो, किधर तुहाडे ते जादू होया फिरदा है, यानी जादू तुहाडे ते होया फिरदा है, सारा कुछ मन्नी भी जांदे हो फिर भी कलमा क्यों नहीं जे पढ़दे, अजी किवें तुसी जादू किते गए हो, तुहाडे ते जादू किवें कीता गया है। सूरह अंकबूत दे अंदर अल्लाह करीम ने फरमाया, सोणिया इन्हां नूं पुछो आसमान और जमीन दा खालिक कौन है, सूरज ते चांद नूं मुसखर करने वाला कौन है, कहणगे ला याकूलुन अल्लाह, ला याकूलुन अल्लाह, नून सकीला दा गया, इधर वेखो ना पहले लाम जबर लावी ताकीद आ गया, ला याकूलुन अल्लाह, सोनिया मेरे प्यारे महबूब पैगंबर इन्हां नूं आखो, अगर चे कहंदे ने अल्लाह ही है, जेदे कोले पनाह लई जांदी ओ किसे दी भी पनाह नहीं लैंदा, जेदे कोल मजबूर बंदे रोंदे ने जेदे सामने सजदे करदे ने, जेदे कोलों मिन्नतां कीतियां जांदियां ने, जेदे सामने रिक्वेस्टां ते दरखास्तां एप्लीकेशनां पेश कीतियां जांदियां ने, ओ कौन है जिहड़ा किसे दे अगे दरखास्त नहीं करदा, जेदे अगे नीवा गोया जांदा है, कौन है जिहड़ा किसे अगे नीवा नहीं हुंदा, कौन है कौन है जी, यक जुबान हो करके कहणगे ला याकूलुन अल्लाह, अल्लाह ये, फिर अगे अगे चल के फरमाया 63 नंबर आयत अंदर अल्लाह करीम फरमांदे ने सूरह अनकबूत इन्हां नूं पुछो, जमीनां नूं हरा भरा करने वास्ते बारिशां कौन नाजल फरमांदा है, कौन बारिशां उतारन वाला, इत्थे भी आखणगे ला याकूलुन अल्लाह, आप जो कारियो सुनते चले जाना, ला याकूलुन अल्लाह, सुन भी कुरान कारी सकदा है ते पढ़ भी कारी ही सकदा है, कारी ना होवे असूला नहीं जानता उन्हें नहीं पता, जिवें पढ़ी जाओ उन्हें की पता सही पढ़ रहा है को गलत पढ़ रहा है, अल्लाह हु अकबर, ए दिल्ला याकूलुन अल्लाह, अल्लाह ही है, आखणगे जरूर भी जरूर अल्लाह ही, जड़ा बारिशां नादल फरमादा है जमीन मर चुकी हुंदी है, मुर्दा जमीन ते बंजर जमीन नूं दोबारा जिंदगी अता फरमा देंदा है, निकल दियां ने इवें जनाब अंगूरियां निकल दियां ने, ओ फिर फैलहांदियां ने खेतियां, फसलां ते दौते जनाब फल फुल लगदे ने, बहारां दियां ने ना, अल्लाह अकबर, कौन है जड़ा मुर्दा जमीन नूं बारिश नादल फरमा के जिंदगी अता फरमाने वाला, इत्थे भी आखणगे ला याकूलुन अल्लाह, इत्थे भी कहणगे कौन है अल्लाह, ये कहणगे पक्की गल है अल्लाह ही है, वो आग अल्लाह फरमाते ने सोणिया कुलिल قل الحمد لله ਸਹਿਤ ਅੰਦਰ ਸੋਹਣਿਆ ਪੇ ਰੱਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਆਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਖਾਲਕ ਏ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਏ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਏ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਮਾਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲਿਕ ਅੱਲਾ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸੱਖਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਕੱਲਾ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਖਦੇ ਲਾ ਯਾਕੂਬ قولن الله تسی آکھدے ہو قل الحمد لله پھر اللہ دیاں تعریفاں ساریاں نے نا فرمایا بل اکثرهم لا يعقلون اکثر لوگ عقل نہیں رکھ
रख दे। अक्सर लोग अकल नहीं है। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी आखो सारिया तारीफा अल्लाह वास्ते, क्यों अकल को लो कम नहीं जलेंदे? अक्सर लोग अकल नू इस्तेमाल ही नहीं करते। अकल नू इस्तेमाल ही नहीं करते। अल्लाहु अकबर। मैं चंद दलाइल जनाब की खिदमत अंदर पेश करने के बाद दसना चाहना। इधर वेखो मुशरिकीन मक्का तौहीद रबूबियत नू ते मनदे सन, तौहीद उलूहियत दे कायल नहीं सन। इला इला नहीं आखते सन, अल्लाह नू इला नहीं मनदे सन। कहंदे ने अल्लाह इला जरूर होएगा लेकिन डायरेक्ट नहीं अला। बस इन्ना क मसला सी ते आबादुल आबाद जन्मी ने जेडे कहंदे सन युकर्रिबू ना इलल्लाह ज़ुल्फा, ए जेडे आलिहा ने ना बातला इलाहा ने बातला, ए जेडे है जी बातल इला ने इन्ना ए सानू अल्लाह दे नेड़े करदे ने। पुत्र देण आला अल्लाह, धियां देण आला अल्लाह, जमीन आसमाना दा खालक अल्लाह, बारिशां वसाण वाला अल्लाह, बिगड़ियां बनाण वाला अल्लाह, अल्लाह ही करदा। पर करदा डायरेक्ट साडे साडे कहण नाल नहीं करदा, ए जिहड़े असीं बुत बनाए होए ने इन्हां दे कहण नाल करदा। इस वास्ते असीं इन्हां दी पूजा करने आ, बुत्तां दे सामने सजदा करदे सन। जी जी बुत्तां दे सामने सजदा करदे सन। इस वास्ते अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह, तवज्जो फरमाओ जरा। उन्होंने तौहीद रबूबियत मन्नी के सारे जहाना दा रब कौन है? बोलो बोलो कौन है? अल्लाह। अगली बात ते आण के अड़ गए, कहंदे ने नहीं नहीं डायरेक्ट अल्लाह नूं बंदा किवें मिल सकदा है? ओ मुशरका तरह अज दे कलमा गो मुशरका तरह ओ दलीला देन लग गए। ओ बादशाह बगैर पौड़ियों बंदा कोठे ते जो नहीं चढ़ सकदा, ते अल्लाह नूं किवें बगैर वसीले ते पौड़ियों मिल सकदा है? इस वास्ते इन्हां दी सेवा करांगे, इन्हां दी पूजा पाठ करांगे। ये अल्लाह दे चेहते ने, लो दसो ये किन्ने आख्या अल्लाह दे चेहते ने? वो जिहड़े पत्थरां दे बुत ने या बंदिया दियां, हां जी इंसान नेक लोग दुनिया तो फौत हो गए, उन्हां दियां कबरां बना के उन्हां नूं पूजना शुरू कर दिता, किन्ने कहा है अल्लाह दे चेहते ने? ते चेहते जिहड़े है भी ने वो अल्लाह दे चेहते किवें बने? कि अल्लाह दी पूजा डायरेक्ट कीती है, ते तुसीं भी जिवें वो चेहते बन गए, मैं तुसीं भी बन जाओ, तुसी भी बन जाओ। लेकिन इन्होंने कहा नहीं नहीं असी इंज बन नहीं सकते, अपने कोलो अकीदा कोई दलील नहीं, अपने कोलो अकीदा बना लिया। बगैर पौड़ियों बंदा बगैर सीढ़ी तो बंदा कोठे ते जी छत ते नहीं चढ़ सकता, ते बंदा किस तरीके नाल बगैर सीढ़ियों जनाब बगैर पौड़ियों किस तरीके नाल बंदा अल्लाह नू मिल सकता है बगैर वसीले दे? मैं तो एको ही जवाब देना सुनिया, बस इतनी गल कह दे। मोटिया मोटिया गल्ला याद कर लिया करो, कुरान दियां याद ना रहन मफहूम ते याद रह जांदा ना, उन्हां दा मफहूम याद रह जांदा है, कीदा मजबूत हुंदा चला जांदा है। इन्नी गल कह दिओ सोणियो, अल्लाह सोणा अल्लाह दी जात ते बाबरकत, अल्लाह को कोठा ते नहीं, अल्लाह कोई कोठा ते नहीं हैं, खोटे दी कोठे दी छत ते ते नहीं बैठा जिथे पौड़ियां दी लोड़ पवे। अल्लाह कहंदे ने नहनु अक्रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह कहंदा तेरी शाह रग नाल नेड़े ओ दिल ही है। फिर अल्लाह कहंदा सोनिया मैं ते तेरे दिल विच वसना, तू पौड़ियां लभदा फिरना ऐ ना ना ही जना करिया कर। अल्लाह कहंदा मैं ते तेरे दिल विच वसना, तू जना वसीले ते वास्ते ते जरिए लभदा फिरना ऐ ना ना ना। बस इतना शिरक सी उन्हां मुशरिकीन मक्का दा, बस उसे ते ही मर गए, आबादुल आबाद जहन्नमी हो गए। ते जिहड़ा बंदा आखे नहीं 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 अल्लाह अल्लाह दे चहेते नहीं बल्कि अल्लाह ही बन गए, ये बिगड़ियां भी बनाते ने, बारिशां भी वसांदे ने, पुत्र भी देंदे ने, रोजियां भी दाता बने हुए। क्यों जी जमीन ते जमीन दे अंदर जड़े दफन हुए पए ने दाता मान लिया उन्होंने, हिंदुओं वाले अकीदे आ गए हर एक ही रब वाहदतुल वजूदी है, हर एक दे विच रब मन्नी पै रहे। ना ना सोनिया जे रब हर विच है ते अरश ते कौन मुस्तवी है?
फरिश्ते ते कौन रहंदा है। इस वास्ते गल समझ लो, अल्लाह करीम ने फरमाया इन्हां लोगों ने तौहीद दे उलूहियत दा इनकार कीता। अज दे मुशरकां ने भी तौहीद दे उलूहियत दा इनकार कीता। कईयां नू जनाब अपना रब इंज दा मन लिया, हंजा इलाह मन लिया, पूजा हर अल्लाह दे अलावा किसे दी हर बात नू मनना भावे सही है भावे गलत है, ए कोई ते ओनू रब मनना है। रब मनना है, कितने के रब मन ले। अल्लाह अकबर, जेड़ा महवर तो हट जाएगा वो इवें ही फटकदा फटकदा मर जाएगा। इधर वेखना सोनिया की तौहीद उलूहियत की है, ला इलाहा इल्लल्लाह, जे कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। ये है जे तो सूरत खलास, यदि तौहीद है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। ला दी तलवार चला दे, ला दी तलवार जदो चल जाएगी तमाम मबूदा ने बात ला दे, उन्हां दे गाटे ला दे, उन्हां दियां गर्दना उतार दे। ऐ नहीं गल करदे सन मुशरिकी ने मक्का, रब नू रब ते मनदे सन, खालक ते मनदे सन, सारियां चीजां दा मालक मनदे सन, लेकिन ऐ नहीं दूसरियां नू नाल दूसरियां दा भी कहंदे ने कुछ हिस्सा हैगा। बस ये चीज रब नू शरीक ते वारे ही नहीं। बोलो बोलो शरीक, रब नू कोई शरीक वारे नहीं। इस वास्ते उन्हां वास्ते जहन्नम अलाट हो गई, हाबादुल आबाद जहन्नमी रह गए वो लोग। इस वास्ते जेड़ा आज भी कलमा पढ़ने दे बाद क्यों जी जबान नाल तोते तरह कलमा कह लिया, ते उन्हें तौहीद उलूहियत ना मनी, अल्लाह नू खालिक ते मालिक ना मनिया, मबूदा ने बातला दे गर्दना ते काटियां ते छुरियां ना चलाईया, तलवारा ना मारियां, उन्हें नू कट वड़ के परा दफा ना कीता, सुट ना दिता। उतनी देर तक तेरा जी इलाह इलाह कहना, इल्लल्लाह कहना, अल्लाह नू बारे ही नहीं सुनिया। उन्हें नू मार मुका जेड़े बाबू मबूदा ने बातला ने, उन्हें इलावां दी गर्दना ला दी, तलवार नाल कट दे, ला नाल ला दे, ला दे, ला 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 जी। बस माड़ा जा तलफ़ुज़े ची फर्क होए, गायदा की अंदर माना ते बनता चला जाएगा, नवे तो नवा माना सुन। जरा अल्लाह कहंदा दी तलवार नाल कोई इलाह नहीं, कोई मबूद नहीं, कोई पूजा दे लायक नहीं, कोई औलादा देन वाला नहीं, कोई बिगड़ियां बनान वाला नहीं, कोई गरीब नवाज ते ख्वाजा कोई भी नहीं, ख्वाजा कोई नहीं, गरीब नवाज कोई नहीं, कोई कोई दाता नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, सिर्फ अल्लाह, इल्लल्लाह सिर्फ। फिर वारे फिर तेरा ये बोलना दिलों कह दे। ओ जड़ मैं हदीस सुनाई सी ना एक जुमे अंदर, जेड़ा बंदा मन खाला ला इलाहा इल्लल्लाह है जी, जनाब ओदे चांदा हदीस दे अल्फाज रे खालिसम मिन कल्बिही औ नफ्सी। कईयां नू हदीस याद होएगी शायद, मैं पिछे किसे जुमे सुनाई सी के दिलों दिल दे नाल अपने जी तो अपने खालिस दिल तो कलमा पढ़ता है। यह मतलब है खालिस दिल नाल कलमा पढ़ने का, ते फिर है उदी तौहीद मनन वाली। ते जे उतो तो कलमा पढ़ भी लवे ते बड़े बड़े मुशरकां ने कलमा पढ़िया ते बाद च मुनाफिक रहा, क्यों जी उन्हां दा कलमा पढ़ना जहन्नम दी अग तो उन्हां नू बचा लिया, बल्कि डबल अजाब मुशरक वास्ते डबल अजाब होएगा। हाँ मुनाफिक वास्ते, अगर काफर नू सिंगल अजाब है ते जेड़ा मुशरक ते काफर है जी ओदे नाल जेड़ा मुनाफिक भी होवे ते उन्हू सजा, उदा जुर्म डबल हो गया ना, इस वास्ते सजा भी उदी डबल हो गई।
इस वक्त फरमाया अल्लाह अकबर है जी जी हुण ते गल समझ आएगी ना कि दिलो कलमा पढ़ने का मतलब एक है कि जनाब अल्लाह जात विच भी कल्ला सिफात विच भी कल्ला अहद कुल हुवल्लाहु अहद मैं दस्या सी ना पिछले जुमे इतो इतने अगे मजमून चलिया सी आद मैं ना यकता यगाना आहदा आहद दा दूसरा नहीं होया करदा यानी तादाद वास्ते तादुद कर दे तादाद वास्ते आंदा ही नहीं क्यों जो मेरा कुल हो अल्लाह वाहद सूरत इखलास है मैं ये बात दोहराने की जरूरत है कि पिछले जुमे कोई ना सुने ना आया होवे उन्हें भी पता लगे कि जनाब आहद दा की माना है और इसे तरह अल्लाह करीम ने फरमाया अल्लाह खुस्तमद अल्लाह बेनियाज की तर्जमा दसिया सी कोई बंदा है जी तर्जमा तर्जमा एदा की दसिया सी जनाब जी जी मेरे प्यारे हो समाद दा माना की दसिया सी मैं किसे बंदे नू इशारा करा जिहड़ा पिछले जुमे मौजूद सी वो खड़ा होके दसेगा कि समाद दा माना की जिहड़ा दस सकदा है हाथ खड़ा करके दसो वे जिहड़ा बंदा इसका समाद दा माना दस सकदा है एं उंगली खड़ी माशाल्लाह माशाल्लाह बुजुर्गो दस दो सुभान अल्लाह अल्लाह बेनियाज लुगवी माना की है समाद ऐसी ठोस चट्टान नू कहंदे ने जेदे विच ना कोई चीज दाखल हो सके ते ना उहदे चो चीज कोई निकल सके समझ आई ना इंज याद करिया करो वाक मैं तकरीबन पता नहीं सतवीं अठवीं क्लास च पढ़दा सा इस्लाम याद दा साडा टीचर अहले तशीह सी ओ टीचर सी ते ओ पुछदा समद बोलदा सी ना अगले दिन सबक सुनना हुंदा सी समद समद दा की माना है ते ओ अपनी सरैकी जबान अंदर टुरदा 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 क्लास दे विच और तू दस ओए और सरैकी जबान और तू दस ओए ओ समद लफ्ज़ बोल के ना टुरदा टुरदा ते मेरे तक आ गया कहंदा ओ याकूबा तू दस ओए जी तू दस मैं आख्या जी समद ऐसी ठोस चट्टान नू कहंदे ने करो तरबीयत इंज दी होई सी अल्लाह दे फज़ल नाल ऐसी ठोस चट्टान नू लुगत अंदर कहंदे ने जिहदे चो ना कोई चीज दाखिल हो सके ना चीज निकाली जा सके शाबाश शाबाश सारी क्लास दे सामने बर कह मैं दस ना तां मोहतरमे चीजा याद कराया करो अपने बच्चिया नू भी आप भी याद करो अल्लाह अकबर इसे वास्ते दे अर्दा लाइया कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद ولم يولد ولم يكن له كفوا احد अल्लाह अकबर अल्लाह अगली बात सुनो जरा हुण बात समझ आई कि कल्ला अल्लाह नू रब मलना तौहीद रबूबियत मलना काफी नहीं बल्कि तौहीद उलूहियत भी मन अल्लाह जात विच भी यगाना ते यकता है और अपनिया सिफात अंदर भी यगाना ते यकता है ऐ जे तौहीद अगली बात सुन लो जनाब इमाम अबू जाफर जनाब मुहम्मद बिन अली अली जैनुल आबिदीन दा बेटा जैनुल आबिदीन दा बेटा इमाम अबू जाफर इमाम अबू जाफर कहंदे ने असी सैयदुल हुफाज इमामुल हदीस मुहद्दस उदो उस बंदे नू कहंदे सन हाफिज हाफिज हदीस नू जिन्नू 5 लाख हदीसा याद हो अल्लाह अल्लाह उन्हूं मुहद्दस कहा जांदा सी सनद समेत कल्ला मतलब नहीं सनद समेत फिर रावियां दी पूरे रावियां दी छान पड़ख पूरी छान पड़ख होवे उन्हां दी रिसर्च होवे उन्हूं मुहद्दस कहा जांदा सी कहंदे ने जिन्हें सैयदुल हुफाज जिवें सैयदुल मुकर्रनीन कहंदे ने ना सैयदुल खुताबा जिन्हें ठीक है ना जीनतुल खुताबा जीनतुल कुर्रा कारियां दा उस्ताद है जी सोहना कुरान पढ़न वाला लोग कह देंदे ने ये सैयदुल हुफाज जनाब इमाम उबैदुल्ला बिन अब्दुल करीम अल मारूफ
अबू जरा रावी राजी अबू जरा हाँ जी राजी इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह दा नाम है मैं जरा दस्या है हाँ जी उबैदुल्लाह बिन अब्दुल करीम एदा नाम है ते इमाम राजी दे नाते मशहूर ने राजी दा नाम याद रहेगा ना कहंदे ने इमाम राजी दे कोल असी उस वक्त पहुंचे के उन्हां नूं जनाब इवें उन्हां दी इतने ज्यादा बीमार फालज हो चुके है फालज की वजह करके उन्हां दी जबान गुंग हो गई जबान ते फालज अटैक कर गया और वो जनाब बिल्कुल नजा दी हालत अंदर असी उत्थे पहुंचे हां जनाब उत्थे इमाम अबू हातिम भी मौजूद ने इमाम अबू जारा भी मौजूद ने रहमहुल्लाह रहमहुम अल्लाह अलैहिम जनाब नाल कहंदे ने इमाम मुनजर भी उत्थे मौजूद ने दीगर मुहद्दिसीन भी आइम्मा इकराम उत्थे बैठे हुए ते कहंदे ने असी एक बहुत बड़े मुहद्दस नू बल्कि उस्तादुल मुहद्दिसीन नू उस्तादुल हफ्फाज नू असी कलमे दी तलकीन किवें करिए हुण इहदी जबान ते गुंग होई हुई है जबान नहीं चलदी कलमे दी तलकीन किवें करिए आपस अंदर मशवरा करदे ने मशवरे दे अंदर जनाब इमाम अबू ज़ारा बोले एक हदीस दी सनद पढ़ना शुरू की थी कहने हद्दसना अबू आसिम हद्दसना अब्दुल हमीद इब्न जाफर अन सालिह इत्थे जाके रुक गए अद्धी हदीस दी सनद पढ़ी ते रुक गए हुण जनाब इमाम अबू हातिम उठे रहमतुल्लाह अलैह सुभान अल्लाह इन्होंने दूसरी सनद पढ़ना शुरू की थी कहंदे हद्दसना बुंदारुन हद्दसना अबू आसिम अन अब्दुल हमीद इब्न जाफर सालिह वो भी रुक गए अद्धी सनद उन्होंने एक होर सनद पढ़ी यानी इमाम अबू जारा ने होर सनद पढ़ी ते इन्होंने इसे हदीस दी एक दूसरी सनद पढ़ी ठीक है इत्थे अद्धी सनद पढ़ने तो बाद रुक गए ये रुके दीगर मुहद्दिसीन आइम्मा इकराम भी खामोश ने सारे चुप हो गए चुप होए ना इधर अल्लाह ने इमाम राजी नू हदीस दी मोहब्बत दी वजह करके कुव्वत गोयाई अता फरमाई बोले इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ओ गुंग जुबान होई होई फाले ज़दा बोले ते उन्होंने कह दी ऐसे हदीस दी सनद एक होर पढ़ना तीसरी सनद पढ़ना शुरू की थी कहने हद्दसना बुंदारुन हद्दसना अबू आसिम हद्दसना अब्दुल हमीद आ صالح ابن ابي ابي عريب عن كثير ابن مرة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل सुभान अल्लाह हदीस दी सनद पूरी पढ़ने दे बाद नाल कहंदे ने हजरत मुआज बिन जबल तक हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तआला उन्होंने आखिया के काला कारों ने काला रसूलुल्लाह अल्लाह दे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह दे नबी ने फरमाया मन का ना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह जेदा आखरी कलाम आखरी जुमले उदे ला इलाहा इल्लल्लाह दे बोले जान उदा खात्मा को जाए ला इलाहा इल्लल्लाह कलमे दे दाखल जन्ना वो जन्नत अंदर दाखल हो गया ए लफ्ज़े जन्नत दी हा जबान तो अदा होई ते नाल ही कफ़से अंसरी विच रूह परवाज कर गई इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन इसे वास्ते ते मैं आख्या कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद जेड़ा तौहीद उलूहियत नू पुकार के जांदिया जांदिया भी आखिरी जुमला कह गया वो दाखल जन्ना वो जन्नत दे अंदर चला गया है इसे वास्ते
दर्दा लाइया जनाब की खिदमत दे अंदर। ओ लोगो सूरत इखलास सुनने वाले हो, इधर वेखना एक होर मुगालता दूर करिए। लोग जेड़े मुशरक लोग ने लोगों के ईमान लुटन वास्ते कहते ने जी अल्लाह रऊफुर रहीम है, अल्लाह रऊफ रहीम है, ते नबी भी रऊफ रहीम है ना, गल तो सही है। अगली गल जी करते हैं कहते हैं जो नबी अल्लाह है, जिमें अल्लाह रऊफ रहीम है उवे नबी, हालांकि यह गल गलत है। क्यों जी? अल्लाह रऊफ रहीम है, नबी भी रऊफ रहीम ने, लेकिन अल्लाह का रऊफ रहीम होना और नबी दे रऊफ रहीम होने अंदर कितना फर्क है, जितना खालक से मखलूक अंदर फर्क है। समझ आई ना? अल्लाह दा रऊफ और रहीम होना ओ बदर जाया तम में, क्यों जी? ओ शुरू तो पहले तो हुन भी रहेगा, रऊफ और रहीम होना दायमी है, दायमी समझ ना, दायमी है, ला महदूद है। अल्लाह दा रऊफ और रहीम होना ला महदूद है, ओनू को रोकन वाला नहीं, जेदे ते रहम करे, जेदे ते नरमिया करे, जेदे ते शफकता करे, वो मर्जिया वाला। क्यों जी? लेकिन नबी सोने दा रऊफ और रहीम होना ओ एक वक्त वास्ते, ओदी लिमिट है कि फलां वास्ते तुसी हाँ जी शफीक बन सकते हो कि नहीं, फलां वास्ते तुसी रहमत बन सकते हो कि नहीं। हाँ, इहदे ते दलील मौजूद है अल्लाह दे कुरान में। इधर वेखो ना, मुख्तसर बात करिए, हदीस सही। जनाब अब्दुल्ला बिन उबई फौत होया, अब्दुल्ला बिन उबई नूं जानदे हो कौन सी भला? मुनाफिक, सही है ना? उदा बेटा अल्लाह ताला ने उन्हें तौहीद अपनान दी तौफीक दे दी, वो मुवाहिद बन गया, नबी दा सहाबी बन गया। ते जेले उदा बाप अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक फौत होया ना, सहाबी प्यारे नबी कोल आ गया। प्यो सी ना, प्यो बाप सी, बाप वास्ते सिफारिश करदा, कहंदा सोने हो मेरे अब्बे का जनाजा पढ़ा दे। अल्लाह दे नबी तुर पे, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला इवें जल्दी नाल अल्लाह दे नबी दी कमीज तो पकड़दे ने, कहंदे सोने हो ना 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 सोने महबूब पैगंबर, मुनाफिक दा जनाजा पढ़ाओगे? जनाजा पढ़ाने वास्ते चले हो? ना ना अल्लाह दे नबी जी, मुनाफिक दा जनाजा ना पढ़ाओ। जी जी जी, मेरे नबी फरमाते ने उमर अल्लाह ने मैनु इख्तियार दिता है, इन्नमा खय्यरनी अल्लाह, मेरे अल्लाह ने मैनु इख्तियार दिता है। इख्तियार केड़ा है? इस्तग़फिर लहुम औ ला तस्तग़फिर लहुम, अगर ये ना मुशरका वास्ते इस्तग़फार करो भावे ना करो। की मतलब? अल्लाह दे नबी फरमाते ने मेरे इख्तियार दिता है, करा या ना करा। अल्लाह अकबर, ऐजे शफीक, ऐजे रहमत वाला, ऐजे रऊफ और रहीम होना नबी दा, नबी दे दिल च शफकत है, आपनू तरस आ गया कि मेरे सहाबी 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 दा ए बाप है जड़ा फौत हो गया, अल्लाह दे नबी रऊफ और रहीम होए, इस वास्ते प्यारे नबी दे दिल अंदर नरमी आ गई, शफकत आ गई, हजूर दे जनाजे वास्ते चल पे। हजरत उमर रोकया तो प्यारे नबी ने फरमाया इन्नमा खय्यरनी अल्लाह, मेरे अल्लाह ने मैनू इख्तियार दिता, इस्तग़फिर लहुम औ ला तस्तग़फिर लहुम, मैं इन्हां वास्ते इस्तग़फार तलब करा या ना करा, लिहाजा मैं इख्तियार नू इस्तेमाल कर दिया होया, इन्हां वास्ते जनाजा पढ़ावांगा, इन्हां वास्ते इस्तग़फार दी दुआ करांगा। अगे अल्लाह करीम ने फरमाया इन तस्तग़फिर लहुम सबईन मर्रा फलन यग़फिर अल्लाहु लहुम, सत्तर मरतबा भी दुआ करो ना उन्हें वास्ते, इस्तगफार तलब करो, अल्लाह उन्होंने कभी भी माफ अल्लाह नहीं माफ करेगा। अल्लाह ने ये कह दिता, अल्लाह दे नबी आखदे ने, आप फरमाते ने मैं 71 वारी दुआ कर दियांगा, 71 मरतबा दुआ करांगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैं 100 वारी कर दियांगा, ऐजे रऊफ और रहीम होना प्यारे नबी दा, हत्ता कि अल्लाह सोने, हालांकि 70 वारी दुआ करो इहदा मतलब यह बनदा सी भावें 70 दुआवां करो, कसरत वास्ते बोलिया गया सी जिन्नियां मर्जी दुआवां करो, है जी भावें 70 दुआवां करो, बोलते ने ना जुमला, इस वास्ते अल्लाह दे नबी फरमाया मैं 70 तो ज्यादा कर लांगा। ऐजे रऊफ और रहीम पैगंबर, ऐजे रऊफ और रहीम होना नबी दा, अगे
अल्लाह ने फरमाया मेरे सोने नबी उन पाबंदी लग गई है उन शफकत और रहमत दिखाने तो अल्लाह ने रोक देता है। अल्लाह फरमाया वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदा सोनिया कदी भी मुशरक दी कबर ते दुआ नहीं करनी जनाजा नहीं पढ़ना वाला तुसल्ली अला अदिन मिनहुम माता अबदा जदों भी मुशरक वजह मुनाफिक मर जाए यदि कबर ते नहीं जाना जनाजा नहीं पढ़ाना वाला तकुम अला कबरी ही यदि कबर ते खड़ा नहीं होना। अल्लाह दे नबी रुक गए क्यों जी ऐ जे ऐ अख्तियार रऊफ और रहीम होना मेरे नबी दा उतना के जितनी अल्लाह इजाजत दे जिते अल्लाह रोके ते नबी रुक जांदे ने ते अल्लाह दा रऊफ और रहीम होना ला महदूद नबी दा रऊफ और रहीम होना महदूद है बदर दा तम अल्लाह रऊफ और रहीम ने है जी नबी बाकी सारे जान तो ज्यादा बदरजा तम ने लेकिन अल्लाह दा ते नबी दा मुकाबला आ जाए फिर अल्लाह रऊफ और रहीम ला महदूद ने मेरे नबी रऊफ और रहीम महदूद ने बराबर मफहूम हदीस दा है। अगली हदीस सुनो ओ मुस्लिम शरीफ दी सही मुस्लिम शरीफ दी 1888 नंबर हदीस है जनाब अन आयशा रजी अल्लाह तआला अम्मी फरमादियां ने मेरे प्यारे नबी ने एक बंदे नु अमीर लश्कर दा बना के रवाना फरमाया ये रस्ते अंदर अमीर जेड़ी भी नमाज पढ़ाता है हर नमाज दी हर रकात अंदर सूरत इखलास जरूर पढ़ता है। सहाबा ने इनकार किया इनकार किया मेरे नबी को ले मामला आया अल्लाह दे प्यारे नबी ने फरमाया सोने इंज क्यों करना है ते सहाबी अर्ज करता है प्यारे महबूब जी एदे अंदर रब दी तौहीद है मैनू बड़ा प्यारा समझना मैनू पसंद करना मैं मोहब्बत करना अल्लाह दे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अखबिरूहु अन्नल्लाहा युहिब्बुहु मेरे नबी ने डायरेक्ट उस सहाबी नु नहीं किया जेड़ा सूरत इखलास पढ़दा सी हर रकात के तेरे वास्ते अल्लाह भी तेरे नाल मोहब्बत करदा नहीं आपने इतराज करने वाले नु किया अपने उस सहाबी नु उस भाई नु खुशखबरी दे दियो अखबेरू हो खबर पहुंचा दियो इतला दे दियो उनु दस दियो हालांकि कोल ही सी ते कोल ही सहाबा सन अहमियत वाजे करने वास्ते फरमाया अखबेरू उसके उसको सुना दो उसको खबर दे दो अन्नल्लाह युहिब्बुहु अल्लाह भी ओदे नाल मोहब्बत कर सुभान अल्लाह जी जी मुस्लिम शरीफ दी को और हदीस आई 1886 नंबर इदे अंदर अबू हुरैरा रावी ने मेरे प्यारे नबी ने फरमाया कट्ठे हो जाओ सहाबा नु कट्ठियां करन दा हुक्म दिता फरमाया कट्ठे हो जाओ जमा हो जाओ मैं तुहानू 1/3 हिस्सा कुरान सुनावांगा दस पारे सुनावांगा जी सहाबा कट्ठे हो गए जिन्हां दी किस्मत च लिखिया होया सी जमा हो गया सुनना जिन्हां दे नसीबा च लिखिया होवे ओ ही आंदा क्यों जी सुभान अल्लाह हालांकि एडे वड्डे मजमे ने तकरीबन अद्धे तो ज्यादा मजमे ने वादा कीता सी कि 12 बजे तो पहले आवांगे आए जरूर बंदे पिछले नालों डबल आए लेकिन अल्लाह दे बंदे हो अपने आप नूं दुरुस्त करो अपने दुनिया के मामले छड्डो आदतां बदलो गंदियां आदतां खत्म करो हाँ जी अगले जुमे कोई बंदा इस तरह ना करे कि मर्जी नाल जिवें मर्जी वादा कुछ कीता ते आंदा कुछ फिरे ना अपनी रूटीन बदलो हमेशा वास्ते वक्त नाल आण दी कोशिश करिया करो ताकि तुसी ऊंट दी कुर्बानी दा सवाब लवो मैं ते आख्या सी इक अरबपति बंदा है अरब 2-4 अरब दा मालिक है हर जुमे ऊंट ज़िबा करके इत्थे नहीं कुर्बानी दे सकदा क्यों जी हर जुमे ऊंट ज़िबा नहीं करके दे सकता ते तुसी एक पैसा नहीं कोल लेकिन पहला वक्त तो पहले आके है जी एक ऊंट दी कुर्बानी दा सवाब ले सकते हो। सुबह
सुभान अल्लाह। इस वास्ते मेरे प्यारे नबी ने हजूर तशरीफ ले आए, आप सल्लल्लाह पढ़िया सूरत इखलास पढ़ी ते घर चले गए। सहाबी गल्लां करदे ने आपस च, यार इंज लगदा है जिवें कोई वही आ गया। आप तशरीफ लै गए ना, आप ते कोई वही उतर गई है, वही नादल हो गई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काम याद आ गया। साहबा गल्लां ही आपस करदे पए ने, आप दोबारा तशरीफ लिया, आपने फरमाया हाँ भाई। कहंदे ने अल्लाह दे नबी तुसी फरमाया सी मैं 10 पारे सुनावांगा, असी कुरान सुनना है। आपने फरमाया मैं सुना ही दिता, ये सूरत इखलास सुना के गया 10 सपारियां दे बराबर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी 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 जी, इधर वेखना जरा, हां जी तवज्जो ते फरमाया जे जनाब, मैं इसे वास्ते अर्ज़ा कर रहा मेरे और तुहाडे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सहाबी बयान फरमांदा है, असी अल्लाह दे नबी नाल गए, निसाई शरीफ दी सही सनद नाल हदीस है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बंदे नूं वेख्या सूरत अल काफिरून दी तिलावत करदा पिया है। अल्लाह दे नबी ने उन्हें सुन करके फरमाया कद बरिया हाजा मिन शिर्क, ये शिर्क तो बरी हो गया। सुभान अल्लाह। अगे देखिया ते एक बंदा सूरत इखलास प्या पढ़दा है, सूरत इखलास नु सुन के मेरे नबी फरमाया अम्मा खाजा फकद गुफिर लह, फरमाया इस दी वजह करके अम्मा हाजा, यानी ये सूरत इखलास पढ़ने की वजह करके बख्श दिता गया। सुभान अल्लाह। हुण बुखारी शरीफ दी हदीस हजरत अनस दे रावी ने, सुनते चले जाओ मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा दी मस्जिद वास्ते एक अंसारी सहाबी नु इमाम मुकर्रर फरमाया, इमाम मुकर्रर किया, हर रकात विच सूरत इखलास पढ़दा। हदीस हो रही अलग हदीस है जी, मैं हूं सुना लग्या, हर रकात अंदर सूरत इखलास पढ़ता है। कई बंदे 3, 4, 5, 7 हदीसा कट्ठा ही गड़बड़ कर देते, नहीं मैं अलग अलग खोल के बयान कीतियां। हां जी जनाब, मुक्तदिया ने इतराज किया, कहते ने जी एक ही लंबी पढ़ लिया करो, 2-4 ऐतां ओदियां वध पढ़ लिया करो, आ की वो पूरा रुकू करके सूरत होर पढ़ के नाल सूरत इखलास पढ़ देंदे हो, इंज क्यों? फरमान लगे ये सूरत इखलास मैं जरूर पढ़नी है हर रकात। जे तुसी मैनू इमाम इमाम पसंद नहीं करते, मैं तुहाडी इमामत तो जवाब दे देने। इहदे चो एक मसला यह मिलिया कि इमाम मर्जी का मालिक हुंदा है, इमाम तुहाडा गुलाम नहीं हुंदा, मुलाजम नहीं हुंदा, इमाम तुहाडा सरदार हुंदा, मर्जी ओदी चलेगी। समझ आई ना बात? ये दी कहंदे ने जे तुसी ये नहीं ना मैनू पढ़न देंदे सूरत इखलास हर रकात अंदर, तो मैं तुहाडी इमामत तो रज्जिया, इमामत तो इनकार करना, तो मामला अल्लाह दे नबी कोल आ गया। उन्होंने कहा इतना प्यारा कुरान पढ़ते ने, है जी अंसारी सहाबी एडे सोने कारी ने, असी तो कारी तो फिर एवं ही रह जाएंगे, अल्लाह दे नबी कोले मामला आ गया। प्यारे नबी ने फरमाया ये प्यारे आ क्या ये जरूरी है, सूरत इखलास पढ़ना जरूरी है? सहाबी कह रहे हैं, अर्ज कर दे अल्लाह दे नबी हा दी जमीर सूरह वल जा रही है, लफ्ज़े सूरह मुअन्नस है, सूरत सूरत इखलास नाल मेनू मोहब्बत बड़ी है। मेरे नबी ने फरमाया हुब्बू का इया अदखलकल जन्ना, सूरत इखलास दी मोहब्बत ने तेनू जन्नत च दाखिल कर छड़िया। फिर क्यों ना आखिए सारे मजमून दा जिहड़ा 4, 5, 7 घंटियां दा खिताब सी मेरा, मैं खुलासा बयान कीता, हुण इहदा भी खुलासा सुन लो 2 मिंटां दे अंदर। मैं एक दिन जोड़ जोड़ रहा सा सूरत इखलास पढ़दा पढ़दा, तर्जमा तफसीर पढ़दिया पढ़दिया, मैं क्या अल्लाह समद मौला पाक तेरी जात कर दी तारीफ गए अवाम दिन रात, अल्लाह समद मौला पाक तेरी जात वाहिद ला शरीक मौला तेरा ए मकाम, कहार ते गफार मौला सोने तेरे नाम, गफूर ते शकूर मौला तेरी ए सिफात, अल्लाह समद मौला पाक तेरी जात। मैं क्या ना कोई तेरा आप बेटा ना को तेरा हमसर, लम यलिद वलम यूलद,
जोड़ी जोड़े मैं कड़ा शायर हाँ एवं जोड़ जे जोड़े मैं क्या जनाब इधर वेखो ना अल्लाह अकबर हो अल्लाह अल्लाह करीम ने क्या क्या फरमाया कुल अल्लाह अहद अल्लाह समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद ना कोई तेरा बाप बेटा ना कोई तेरा हमसर मेरे मौला निशान बड़ा तेरा दर कर दी तारी पग अवाम दिन रात अल्लाह समद मौला पाग तेरी दाद अगली गल सुनो अल्लाह अकबर थम्मा बिना मौला तू टिकाए आसमान पैदा किते अल्लाह जी तू जिन इंसान जाने भेद दिलां दे ते जरा जरा बात अल्लाह समद मौला पाग तेरी दाद मैं क्या हो अल्लाह को अहद मैं क्या तीन जुमले जोड़े जाने ने मैं कड़ा शायर हाँ पूरे पांच पांच दस दस जुमले जोड़ लवा पूरी नजमा जोड़ लवा मैं आख्या आखिरी शायरां दी आदत हुंदी है अपने आखिरी शेर अंदर ना अपना नाम घुसेड़दे ने ना लिखदे ने मैं आख्या चल मैं शायर नहीं लेकिन शायरी करदा ते पिया उन्हां दी नकल मैं भी मारा मैं आख्या हो अल्लाह अहद मौला उच्ची तेरी शान तारीफ ले याकूब नू अताई तू जबान तारीफ ले इंसान नू अताई तू जबान एहसान ही एहसान तेरे ऊपर मखलूकात अल्लाह समद मौला पाग तेरी दाद अगे एक जुमला होर ज़ेहन च आ गया मैं क्या अल्लाह अल्लाह तेरी रहमत दी सानू बड़ी लोड़ सोने घर तेरे विच आउंदी नहीं कोई थोड़ अल्लाह 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 तेरी रहमत दी सानू बड़ी लोड़ सोने घर तेरे विच आउंदी नहीं कोई थोड़ तू साडे जारी बात नहीं जानदा हालात अल्लाह समद मौला पाग तेरी दाद मैं आख्या एक होर जुमला आया मैं आख्या मेरा हाँ जी अल्लाह 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 सोनिया चंगा सानू लगता है तेरा दरबार कर दे आप जड़े सुन दे गुनागा ये नहीं कहता जेड़े आए ने जेड़े सुनते रहेंगे क्यामत तक सुनते रहेंगे लोग है पूरी दुनिया के लोग सुनते ने माशाल्लाह हाँ जी असी सुते होने हैं जी पूरी दुनिया से कोई लम्हा खाली नहीं जदो ये कुरान जेड़े पढ़न वाले खुतबा इन्हां दियां तकरीरां ना चल दियां पईयां होण सारी दुनिया रूए जमीन से हर वक्त लोग सुनते ने माशाल्लाह इस वास्ते मैं ये नहीं आखदा हाँ जी अल्लाह चंगा सानू लगता है तेरा दरबार कर दे मुआफ जेड़े आए गुनागार मैं कहना कर दे मुआफ जेड़े सुन दे गुनागार बहाने नाल मुआफ करे सोनी तेरी जात अल्लाह समद मौला पाक तेरी जात मैं कहा मेरा मौला तेरा अल्लाह तेरा मौला पूरी दुनिया दा वालिए हर इंसान सोने रब दा सवालिए निके बड़े सारे आंदी सुनता है बात।